हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन पैराडाइज में। दोस्तों, मिट्टी के अलावा पानी में उगने वाले पौधों के बारे में तो लगभग हम सभी जानते हैं। साथ ही ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी हैं जिन्हें मिट्टी और पानी दोनों में उगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें आप बिना मिट्टी और पानी के हवा में भी उगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में हम बताने वाले कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिससे आप ये पौधे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिन पौधों के बारे में बात कर रहे हैं उनको एयर प्लांट्स कहते हैं, जिनका साइंटिफिक नाम टेलेंसिया है। आप इन एयर प्लांट्स को अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी 600 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें मैक्सिमा स्काई प्लांट, फुएगो, पिंक विंग प्लांट, कॉटन कैंडी, मेड पेपर आदि शामिल है। इन्हें बिना मिट्टी और पानी के भी आप उगा सकते हैं, इसीलिए इन्हें एयर प्लांट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, एयर प्लांट होने का ये मतलब नहीं कि इन्हें सिर्फ हवा की ज़रूरत होती है। इन्हें बहुत ही कम मात्रा में धूप और पानी की जरूरत पड़ती है। हर 4-5 दिनों में एक बार आपको इनमें पानी का छिड़काव करना होता है। इसके अलावा आप इन्हें किसी छोटे गमले में लगा सकते हैं या धागों की मदद से लटका भी सकते हैं। इनकी जड़ें बहुत ही हल्की होती है और इनकी पत्तियां अपने आसपास के वातावरण में उपलब्ध नमी को सोख कर पोषण लेती है और इसी वजह से ये जीवित रहते हैं। जंगल में किसी भी पेड़ के तने, झाड़ियों या चट्टानों पर उगने लगते हैं। इन्हें एपिफाइट या एरोफाइट भी कहा जाता है। एयर प्लांट की जड़ों को किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है, जैसे आप इन्हें किसी छोटे गमले, पुराने कप या किसी पेड़ के पौधे की शाखा के ऊपर भी बिना मिट्टी या पानी के लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें अपने घरों में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयर प्लांट हवा को शुद्ध करने का भी काम करता है। इसलिए अगर आप अपने घर में ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो हवा को शुद्ध करे और जिनकी ज्यादा देखरेख की जरूरत ना हो, तो आप एयर प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं एयर प्लांट नहीं है तो आप इसे नर्सरी से ले सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी जानकार के घर में या दफ्तर में एयर प्लांट लगा हुआ है तो आप इसमें से एक कटिंग लेके अपने घर में लगा सकते हैं। इसके बाद पानी में आप एनपीके का मिश्रण बना के इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आप इस कटिंग को किसी छोटे गमले में रख के ऐसी जगह पे लटका दे जहां पे इसे रोशनी मिले। एयर प्लांट की देखभाल करना बहुत ही आसान है। आप 10-15 दिनों में एक बार इसे पानी का छिड़काव कर दे तो भी इनके लिए काफी है। आपको इनकी पत्तियों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर पत्तियां आपको बहुत ही सूखी लग रही है तो इसका मतलब है कि इन्हें ठीक से पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप किसी प्लेट या कटोरी में पानी लीजिए और इसमें एयर प्लांट को उल्टा करके रखिए। इसका मतलब पौधे को पानी में कुछ इस तरह रखना है कि इसकी सिर्फ पत्तियां पानी में भीगे। लेकिन ध्यान रखें, जड़ों पे पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ों पे पानी जाएगा तो जड़ें सड़ने लगेंगी। इसलिए सिर्फ पत्तों को पानी देना है। जब पत्तों के ऊपर से पानी एकदम सूख जाए तो आप इसे वापस इसकी जगह पर लगा दें। अगर बात फूलों की करें तो इसमें से कुछ ही किस्मों को फूल आते हैं। इनकी ज्यादातर वैरायटीज तो डेकोरेशन के लिए और घर की हवा शुद्ध करने के लिए उपयोगी लाई जाती है। एयर प्लांट्स के बारे में सब कुछ जानना बहुत मुश्किल है। आप जब खुद इन्हें लगाएंगे तब धीरे धीरे आपको यह अंदाजा होने लगेगा कि यह पौधा किस तरह से बढ़ता है और इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी देखभाल आदि कैसे की जा सकती है। लेकिन ये बातें जरूर याद रखें कि कभी भी एयर प्लांट को मिट्टी या पानी में लगाने की कोशिश ना करें।
आप इन्हें अपने घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में इनकी देखभाल करते रहें। अक्सर लोगों की गलतफहमी होती है कि बिना धूप या रोशनी के भी एयर प्लांट लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर प्लांट को भी अन्य इंडोर प्लांट की तरह रोशनी या कम धूप की जरूरत होती है। यह सच है कि एयर प्लांट को बहुत कम पानी देने की जरूरत होती है, लेकिन आपके इलाके की जलवायु पर भी यह निर्भर करता है कि आपको पानी का छिड़काव कितनी मात्रा में करना है। अगर आपके यहाँ पे हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं है तो आपको हर 3-4 दिन में एयर प्लांट पर पानी छिड़कना चाहिए, और अगर हवा में नमी है तो आप इन पर हफ्ते में एक बार पानी छिड़क सकते हैं। महीने में एक बार एनपीके का घोल का छिड़काव भी करना चाहिए। एयर प्लांट के ऊपर पानी का छिड़काव हमेशा सुबह के वक्त करें, ताकि इसकी पत्तियां अच्छे से पानी सोखकर पोषण ले सके। एयर प्लांट आपके घर के अंदर की हवा शुद्ध करता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही अपने घर में लगाए अलग अलग किस्म के एयर प्लांट और बढ़ाए अपने घर की खूबसूरती तथा हवा को रखे शुद्ध। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।